फ्रेंड्स, ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं यही वो कुआं है कि जहां पर जो है अनगिनत लोगों ने कूद कर जो है अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी जान गंवाई थी। फ्रेंड्स, हम जो है आ चुके हैं, देखिए यहाँ जलियांवाला बाग कांड, जहां पर जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था, हम वहां आ गए हैं। अब आपको जो है हम जलियांवाला बाग जो है वो दिखाते हैं। दोस्तों, सामने से ये रास्ता है, पतली गली है, इसी में से होके जो है जलियांवाला बाग कांड जाया जाता है। सामने लिखा हुआ है जलियांवाला बाग स्मारक, इसी से बहुत पब्लिक आई है। रास्ता थोड़ी संकरी है, यहीं से आप जो है इसको देख सकते हैं। देखिए दोनों साइडों में जो है बड़ी अच्छी जो है चित्रकारी की गई है, बहुत अच्छे अच्छे बना हुआ है। तांबे की जो मूर्तियां हैं ये, जिसमें बताया गया है यहाँ के इतिहास के बारे में, कैसे कौन कौन जो है अब देखिए हम अंदर आ चुके हैं पार्क में। गोल्डन टेंपल है, गोल्डन टेंपल देखने के बाद सभी लोग जो है जलियांवाला बाग देखने जरूर आते हैं, क्योंकि अमृतसर टेंपल जो है गोल्डन टेंपल के पास में ही जो है ये जलियांवाला बाग है, उसे मात्र जो है 200 कदम की दूरी पर ही है। ज़्यादा दूर ऑल इंडिया ओवर का जो है इंसान आता है, ऐसा नहीं कि केवल पंजाब का ही आता हो, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए। ये में है ये गार्डन बना हुआ, क्या ये वो कुआं है क्या? जी हाँ, इसमें लोगों ने जान दी। फ्रेंड्स, ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं यही वो कुआं है कि जहाँ पर जो है अनगिनत लोगों ने कूद कर जो है अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी जान गंवाई थी, यही वो कुआं है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुएं को जो है शीशे से कवर कर दिया गया है, साइड से कोई गिरूर ना जाए, इस वजह से मैं जो है इसके दोस्तों अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जलियांवाला बाग में, वो स्थान पर जहां पर जो है अंग्रेजों ने अनगिनत गोलियां चलाई थी। उन गोलियों के निशान दोस्तों आज भी हैं दीवारों पर, वो गड्ढे बने हुए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में, इधर से घूमते हुए हम आपको कहीं लेके चलेंगे। फ्रेंड्स, आप जो मेरे पीछे निशान देख रहे हैं ये लगभग 28 गोलियों के निशान है। ये जो निशान है गोलियों के, जहाँ गोलियां चलाई गई थी उन निहत्ते लोगों पे जो यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और जनरल डायर ने बिना जो है किसी को बताए, बिना जो है बताए ही उन पर जो है अनगिनत गोलियां चलवा दी थी, जो लोग यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए नियत थे बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज सुबह बारिश हुई थी, इसलिए यहाँ मौसम बहुत बढ़िया, इसलिए पर्यटन भी ज्यादा है, क्योंकि बादल हो रहे हैं, ठंडा मौसम है, अगर ज़्यादा धूप निकलती है तो उस समय पर्यटक लोग कम आते हैं, लेकिन आज सुबह बारिश हुई 2-3 घंटे सुबह से और रात से, इस वजह से मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया है कि काफ़ी भीड़ है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इस स्मृति स्थल, ये देखिए इस सामने आपको जो दिखाया जा रहा है जलियांवाला बाग का स्मृति स्थल है,